ये था प्रीमियम, जैसे आप हो गए या हम हो गए, हमें गाड़ी चाहिए फीचर्स के साथ सीएनजी चाहिए। मेरे तरफ से बता दो, मेरे तरफ से एक चीज का जवाब दे दो, टाइम कितना हो रहा? टाइम कितना हो रहा जल्दी बताओ। 12:35 हो रहा है ना। मेरी रोटी आपने खुवाई, बालक भूखा बैठा सुबह तय, रोज कहनी पड़ेगी क्या मुझे? बालक भूखा बैठा पेट में, तेरे भूख लगे ना, तू कहे क्यों ना मम्मी रोटी बना दो। कितनी बार कह ली मैंने, कितनी बार कह ली? हाँ भी कल रात ने कह रही थी कि अभी ले कहा कर इसी के चिपट कर वैगनार तो बढ़िया गाड़ी है, पर कमेंट आ रहे हैं कह रहे भाई टाटा की गाड़ी बढ़िया, सेफ्टी ज्यादा उसमें है, कैसे करना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई सुबह तो भूखे हैं, मतलब ये तो खा के बैठी है, इसने कल मेरी काजू कतली भी खा ली, सारी चीज जो मेरे हिस्से की सब खा जाओ, कोई वो नहीं कह रहा मैं कि बुरा करा तो वैसे बुरा ही, पर कोई बात ना। पर भाई हम भी दिख रहे हैं आपने तो दुनिया दिखेगी, दुनिया खा जाएगी। भाई अब सीन ये है कि मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें सब कह रहे हैं भाई टाटा ले लो इंडियन ब्रांड है, वो अलग चीज है, मान ली तुम्हारी बात, कह रहे सेफ्टी जरूरी है, ये मेरे को पता नहीं था भाई टाटा की सेफ्टी कितनी है कितनी नहीं है, कोई बात नहीं वो भी देख के आएंगे। पापा का तो पापा से तो पूछ ही नहीं अभी, पापा वैगनार लेंगे पापा उस दिन, तो मैं कह रहा टाटा पंच लूंगा, छोटी सी गाड़ी दुआ दे कह रहा, मतलब बहुत पहले कही थी टाटा पंच टाटा टियागो पसंद थी पापा को पहले भी, कोई नहीं वो भी देख आएंगे, पर खाना दे दो बस है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी शरीर में, आप ही का लड़का हूँ सगा लड़का हूँ आपका भाई, मेरे सच्ची तो रोटी खाती नहीं ना जो तुम सबकी मम्मी आऊंगी या बहुत सारी मम्मियां भी देखी होंगी, उन सब में सब तक आलसी मम्मी होगा, आलसी होने का कंपटीशन लगाना तो ये अव्वल है, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता, बता दे गलत कह रहा हूँ। मेरी आँख खुली सुबह 5 बजे उठ जाए गुरु, उधर पापा का मैसेज आ रहा है, वहाँ चले गए ना तराई करने के लिए, तो कह रहे मैं जाऊँगा 9 बजे, मैं इतनी स्पीड तो सोई कद मेरी आँख ना खुल जाए, मतलब बहुत प्राउड की बात है ना ये, और एक बात होगी इतनी देर होगी अभी तक ना खड़ी ना हुई है कि अपने छोरे था रोटी दे दूं, उठी 7 बजे अभी भी ना उठ रही, अरे उठ जा मुझे रोटी दे दो, कितनी बार मुझे यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अपनी पार्टी बना रहा हूँ मैं नगली नई और दिल्ली में इलेक्शन जीत जाऊंगा, फिर मेरी भूख हड़ताल के बाद मुझे फाइनली रोटी नसीब हो गई है। भाई दलिया तो दे दो मम्मी, कहाँ है? अच्छा ओ सॉरी दिखा नहीं था ये अभी रोटी खा लेते जरा। सो गाइस नहा धो के ऑल सेट, और मेरी मम्मी ने अभी अभी भाई मेरे को ऐसी कहानियां सुनाई है ना, ऐसी कहानियां सुनाई है, मैं मेरे तक कह रही कि तू ना लड़की वाज है यार मैंने कही मैं नहीं हूँ, फिर मम्मी ने कही कि हम तो ना थे ऐसे अपने टाइम में, मैंने कही तब के जमाने में ना सोशल मीडिया नहीं था, अब आपको लगता है ऐसे कि मैं लड़कियों से अगर कोई बात कर ली तो मैं लड़की बाज बन गया, फिर मम्मी ने ना ऐसे एग्जाम्पल दे दिए मुझे बिना सोशल मीडिया वाले लोगों के, भाई मैं तो हैरान हो गए भैया हम तो। अब जा रहा हूँ बैंक में, मुझे थोड़ा बहुत काम है, एक DD उठा के लाना, मुझे छोटा सा बनवा रखा मैंने अमाउंट, देख कैरी अभी नु कही थी किसी दिन बताएगा तो नाम लिया मैंने किसी का, मैंने नाम लिया, तू ले लेगा करवा निकाल लेगा मेरे तक कोई बात आगे दे मैं नाम ले दूंगा, जल्दी बता नाम बता उन सबके मैं ना तो बता दूंगा ये दो नाम जो मुझे पता चले, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ऐसी कोई बात ना है, अभी जा रहा हूँ बैंक, गाड़ी इतनी गर्म, और एक बात बताऊँ मोटे अंगूर कौन लाया है नू बता दे सबसे पहले मेरी बात, तो पापा लेकर आए अंगूर, यार ये कैसे अंगूर है दस्त लगा दी इनने, पापा से कहना, ये बात तो सही है पापा से कह नहीं सकते हम, पापा जी ब्लॉग देख रहे हो तो ये वाले अंगूर मत लाना अगली बारी दस्त लग गए यार, जिंदगी का मजा सिर्फ यो ले रहा है, नाली में लोटपोट हो गया का मस्त गली में सो रहा, सबसे मुश्किल काम इसमें बैठना, आधी धूप में खड़ी बल्कि पूरी धूप में खड़ी है, पीछे मैं बैठ के जाना सकूं क्योंकि पीछे छाया थी, और भाई और एक और ये पीछे वो रखे हैं Air Jordan 1, बट कोई नहीं एक बार इसको ठंडी कर लेते हैं, बैंक निकल रहा, और शिट भाई और जलेगा मेरा फ़ोन भी, जल जाएगा हीट मार जाएगा, ओहो भाई तुम यकीन मानोगे बाहर 41°C है, मतलब इतनी धूप है, अभी थोड़े दिन पहले 33 थी 34 थी 35 थी 36 भी देखी मैंने, 40+ तो आज इस बार, मतलब जो जून की गर्मी होनी थी, जून जुलाई के बाद क्या आता अगस्त में तो इतनी ना रहा, फिर भी जुलाई की गर्मी ना अप्रैल में पड़ चुकी है, अब तुम नो सोच रहे हो जब जुलाई आएगा ना इंडिया का इजिप्ट ना बन जाए तो भाई मेरा नाम बदल देना, इतनी गर्मी मेरे हिसाब से 50°+ जाएगा, 55 डिग्री जाएगा भाई, लोगों के ना बीमारी होगी भाई स्लो चलने की, मतलब कि खाली आगे रोड पड़े रहेंगे पर फिर भी नहीं चलेंगे, बीमारी होगी, इतनी महंगी महंगी गाड़ी की बढ़िया कोई CNG की ले लो जो चलती ना हो, अभी ट्रैफिक लग रहा था बहुत कड़ा ट्रैफिक लग रहा था, 2 I-20 दिखी मुझे जो 20 की स्पीड में चल रही थी और लेडी चला रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि लेडी सारी खराब ड्राइवर होती, बस मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई सरकारी आदमी सुन रहा है ना प्लीज़ क्राइटेरिया ऐसे रख दो जब लाइसेंस बांटते हो ना
कि उससे ना 20 से ऊपर भी चलवा के दिखवा ले रहे हैं कि वो 20 से ऊपर चला पा रहा बंदा है, बंदी नहीं चला पा रहा। अगर चला लेता है 20 नहीं चलो 30 कर लो, क्योंकि 20 पे तो चला ही रहते वो लोग। अगर ऐसा कर लेता तो लाइसेंस दे दो, नहीं तो मत दिया करो भाई। भाई बैंक का काम हो चुका अपना डन, अब मैं जा रहा हूँ सीधा टाटा के शोरूम पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े और उसमें लिख रहा था कि भाई टाटा की गाड़ी जरूर देखना क्योंकि अंकल जी के लिए सेफ है और इंडियन ब्रांड है। तो भाई ये सारी चीज़ें तुम्हारा भाई कंसीडर करता है और तुम्हें दिल से प्यार देता है, मतलब चाहता हूँ मैं तुम लोगों को यार। तुम्हें पता है तुम लोग कितने पसंद हो भाई, मेरे को बहुत पसंद हो कसम से। अगर तुम मेरे सामने आओगे ना मजा आओ तो मैं किससे कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जा रहे भाई टाटा के शोरूम पे, टियागो देख के आऊँगा और भी सीएनजी में, क्योंकि पापा के लिए सीएनजी देख रहे हैं हम लोग। पापा को थोड़ा दूर ट्रैवल है और पापा को मजा सीएनजी में आवे, तो मैं कहा वैसे सीएनजी महंगी हो रही पर चल कोई बात ना, सीएनजी में देख आएंगे। टियागो की बिल्ड क्वालिटी मैंने सुनी बहुत बढ़िया है और भी बहुत सारी चीज़ें भी पता लगेगी शोरूम पर जाकर। यहाँ से 16 मिनट दूर है टाटा का शोरूम, तो एक बार वहाँ पे जा रहा हूँ और फिर बताएंगे कि भाई कौन सी हमें बढ़िया लगी और कौन सी का हमारा फाइनल डिसीजन बैठता। टाटा का शोरूम पर पहुँच गया, टाटा का शोरूम चल रहा है मेरे साइड में भाई, बड़ी धूप और बहुत भीड़ है इस वाले में। मेरे हिसाब से ना बहुत सारी पब्लिक ले रही है गाड़ी, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार आ जा भाई, आ जा इधर 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 आ जा, यहाँ तो चलेंगे भाई टाटा के शोरूम के अंदर। बहुत मतलब सारी डिलीवरी आज ही चल रही है मेरे हिसाब से, गाड़ियों पर वेटिंग ना है। नू है कि गैल गैल ले पैसा दो और गैल गैल निकल जाओ। हाँ। भाई टाटा टियागो देखने जा रहे हैं सीएनजी में, ऑफर वही 50 की माइलेज, 50 की माइलेज है उसकी भाई, सीएनजी सब गाड़ियों की 50 ही होती है ना। ना ना 36-35 होगी, पूछ लूंगा अभी, महंगी भी तो वैगनआर के तौर से कंपेयर करूंगा पर इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है तो मगर देखेंगे भाई। तो ये है टियागो सीएनजी मिडनाइट प्लम एडिशन, अपना खुल रहा है। अच्छा आप देख रहे हो भाई, सब देख रहे हैं टाटा टियागो। भाई टियागो तो उसमें है ट्रेंड में यार। भाई इसमें फीचर क्या क्या है ये पूछने मुझे। भाई इसमें फीचर क्या क्या है? भाई फीचर क्या क्या है इसमें? ये फुल्ली लोडेड है आपका। अच्छा सीएनजी वाली है? हां सीएनजी वाली है भाई। सीएनजी कार है अंकल के, मतलब कि एक नंबर, अंकल को मजा आ जाएगा। कंट्रोल म्यूजिक आपका हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, हरमन का तो नेक्सॉन में भी आता है भाई। हां म्यूजिक सिस्टम बढ़िया मिलेगा भाई फिर तो, नेक्सॉन का नो डाउट अच्छा है। पापा तो म्यूजिक सुना ही ना है। अच्छा अंकल का भाई एवरेज कितनी है इसकी सीएनजी में? 36 की आएगी आपको। 26 की है सिटी में, 27 सिटी में हाईवे पे, और सिटी में ऐसे 22 23 24 24। अच्छा जी भाई 22 तो वैगनआर 36 की दे रही है वो क्या सीन भाई? वैगनआर और टियागो में फर्क नहीं है भाई? भाई और समझ नहीं है ना, मैं देखो वो हल्की गाड़ी है, 0 स्टार रेटिंग की गाड़ी है, आप एक 4 स्टार रेटिंग गाड़ी ले रहे हो टाटा की। इसमें एयरबैग है? आपका देखोगे हरमन काटे से कोई मुझे सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे प्लस पॉइंट इसका जो वो है ये हाइपर स्टाइल व्हील, इसका लुक देखो आप, डिजाइन देखो। हाँ भाई अलॉय वलॉय टाइप दे रखा है फॉर्च्यूनर जैसे है तो। और इसमें जो आपका क्रोम फिनिशिंग छोटे छोटे आप एयर बैंड देखोगे ना, ये जो आपका लुक आता है ऑटो फोल्डेबल ORVM है आपका। अच्छा अच्छा फीचर हाँ। ज्यादा मतलब वैगनआर से राइट, वैगनआर क्या है फीचर्स वाली गाड़ी है, लोगों को क्या चाहिए जैसे सीएनजी गाड़ी, वैगनआर तो डिब्बा है। अब देखो होता क्या था कि लोगों को चाहिए था प्रीमियम जैसे आप हो गए या हम हो गए, हमें गाड़ी चाहिए फीचर्स के साथ सीएनजी चाहिए, और वो मार्केट में किसी के पास नहीं था। टाटा के टाटा ने क्या निकाला है कि फीचर्स भी निकाला है विद सीएनजी निकाला है। तो भाई इसके अलावा सीएनजी में टाटा कोई और दूसरी गाड़ी आती है? हाँ आती है ना, और इसके अलावा इसका एक सेडान टाइप का टिगोर है भाई। टिगोर का तो मैंने देखो खुद चला के देखो, उसके गेरे टकते हैं भाई, मैं तो उसकी लॉन्च पे गया था टाटा टिगोर ना, मैंने चलाई है वो। नहीं अभी तक ऐसा कोई वो आया नहीं रिव्यू, अब आप कह रहे हो तो नहीं भाई, मैंने तो टेस्ट जब लॉन्च हुई थी। सीएनजी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं आती ना? नहीं कभी नहीं आती, ये मैनुअल है, ये वाली भी अपनी है। कोई भी सीएनजी अंकल तो मैनुअली चलाएंगे, बूट स्पेस देख लेते हैं भाई। आ जाओ, उसमें दो लगेज का था भाई, दो लगेज का था इसमें भाई, इसमें कैमरा भी है, उसमें था कैमरा, इतना ना पूछी मैंने उनसे भाई, कैमरा दे रखा है पूरा, देखते हैं बाकी। तेरे साथ तो टियागो बढ़िया, वो बढ़िया भाई। देखो अंकल को मारुति की पसंद है तो एक बार अंकल ही बता पाएंगे भाई, बूट स्पेस तो ना इसमें। हाँ मतलब ऊपर बस पार्सल ट्रे दे रखी है और बूट स्पेस कम है, बट सेफ्टी पर्पस से अगर देखा जाए तो भाई वैगनआर से फार बेटर है। हाँ वो नहीं है बट अच्छा फोर लेजेंडर थोड़ी है भाई। सही है भाई ये सिस्टम से। और भाई वेटिंग बता दो कितनी है इस पे, गैल गैल दोगे वेटिंग इस पे? देखो है तो वेटिंग इस पे जो आएगी 3 महीने की आएगी, 3 से 3.5 महीने, बट आपको कुछ गाड़ियाँ खड़ी है रेडियो लेवल भी है, आप एक बार चलो। डिस्काउंट कितना भाई, हमें गरीब हो गए स्टूडेंट डिस्काउंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो होगा डिस्काउंट तो नहीं है क्योंकि नई लॉन्चिंग गाड़ी है और वेटिंग पे गाड़ियाँ मिल नहीं रही है, फिर भी एक बार बैठ के चलो डिस्कस करते हैं। चलो भाई ऑन टेबल बात कर लेते हैं। 8:56
856 ऑन रोड प्राइस है भाई। वैगनर का कितना था? आरटीओ भी कट रहा है इसमें 66,000 कट रहा है। आपका एक्स शोरूम है, इंश्योरेंस है और रजिस्ट्रेशन भाई। जैसे हमें बाहर से नंबर लेना हो चंडीगढ़ अथॉरिटी के, ठीक है, तो फिर उसका भी इसी में इंक्लूड रहेगा? नहीं रहेगा, टेम्परेरी पे गाड़ी मिल जाएगी जिसका 1500 रुपये चार्ज लगेंगे। आप टेम्परेरी पे ले जाओ, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फीस फाइल यहाँ से पूरी आपको बना के दे देंगे बंच, वहाँ ले जाके फाइल सबमिट करना है। इस पे मेरी शक्ल देख के डिस्काउंट तो दे दो भाई थोड़ा सा। हाँ भाई कोई इशू नहीं, आप फाइनल ज्यादा नहीं 50% दे दो भाई। लेनी तो देखो है हमें, पापा गाड़ी होगी पुरानी, हमने ले लिया, पापा की बारी है, पापा तो बढ़िया धोएंगे। अब इसमें बता दो कितना तोड़ दोगे हमारे लिए? देखो इसमें आप किसी को पता नहीं लगेगा, अगर तो आपका जो डिस्काउंट रहेगा 15-16,000 रुपये का डिस्काउंट आपका पड़ेगा, 15,000 की पड़ जाएगी। हाँ, चलो ना आपके ना हमारी 8 कर लेते हैं भाई। पूरा तोड़ दिया, 40 तक आपको पड़ जाएगी, 840 की पड़ जाएगी इसमें भाई। इसका वो होगा ब्रोशर होगा आपके पास? बोला तो ना एक बार। चलो भाई ब्रोशर ला रहे हैं, मिलते हैं गाइस, तभी तो दिखाएंगे यार। हां भाई, मेरा पापा थोड़ी फाइनल करते, पापा गोली ना मार दे इसमें। अंकल को दिखाने चले भाई। टाटा के शोरूम का एक्सपीरियंस बहुत मस्त है हमारा, मजा आएगा। गार्ड भी गुटखा खा हुआ है और पुलिस वाले भी हैं भाई, पुलिस वाले भी गाड़ी लेने आ रखे हैं यहां पे। अभी बात चल रही है रेट की, कितना पड़ेगा रेट भाई? यो आगा अपना टाटा टियागो का भाई 8.5 लाख रुपया की है। फ्यूचर किसमें देगा, फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो क्यों, क्या है इसे बंद कर दो भाई, इसका बंद करो, इसका कहाँ तक हुआ है? कर दिया। शाबाश, धन्यवाद भाई। मैं कहा भाई वैगनार 1 लाख रुपए सस्ती है, करेक्ट है, एवरेज 26 की है इसकी भाई। टियागो में जाना है बिल्कुल, भाई इंजन ऑटोमेटिक देखना उसके ब्रेक 26 में फर्क है भाई। देखो वो वाली बात है कि टाटा का इंजन है मारुति की थोड़ी बॉडी नहीं, टाटा की जो बॉडी है ना वो बॉडी अच्छी है, बहुत प्यारी बॉडी अच्छी है, इंजन मारुति का अच्छा है। अरे यार ये तो कंफ्यूज कर दिया, लाइबल भी तो है ज्यादा भाई। भाई देखो हम तो कंफ्यूज हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दो, बाकी पापा तो बताएगा ही कि पापा ने कौन सी पसंद है, मारुति की पसंद आई या फिर टाटा टियागो पसंद आई, सारी चीज बता दो। ब्रोशर वगैरह सारी चीज ले आया, रेट टैग भी ले आया, सब चीज, डिस्काउंट विस्काउंट और कोई वेटिंग ना भाई के लिए। मैं कहा हटा दो वेटिंग वोटिंग कर, खड़ी है कई कलर रेंज में, टाटा वाली में खड़ी है मारुति में। मैं कह रहा हूं टाटा ले तो लेना सर, मैं फुटवा लेना अपना, टाटा में सिर फुटवा लूं, मतलब बताइए यूट्यूब नहीं चलाता क्या टाटा में? कौन सी रिपोर्ट रहा? वो थी हुंडई ही थी वो भाई, तो टाटा का देखो अरुण पवार भाई ने डाला था एक का, टाटा का अरुण पवार ने डाला कुछ भाई, मेरे को पता नहीं, मेरा सिर ना फोड़ सका कोई। अच्छा जी, हम बता देना मेरा सिर ना फूटे भाई, जिसमें जो रन टाटा का शोरूम हो चाहे हुंडई का शोरूम है, सिर फोड़ के दिखा दो, सिर का हाथी लगा के दिखा दो, फोड़ दिया। अरे सोच अभी बाहर खड़े हुंडई वाले का क्या कह रहा था है, ओ भाई इसका सिर फोड़ लगेगा ऐसा कुछ सीना भाई। पापा से बताऊंगा सारी चीज, अभी तो मैं शाम को एक बार, मेरे को फरीदाबाद निकलना है एक काम से। क्यों भाई चलोगे? जाओ भाई आप जाओ, क्यों पेपर है तारे, इनके पेपर चल रहे बालकों के। कोई भाई अपना सारा प्रोग्राम खत्म और व्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म, क्योंकि मैं और कटारे जा रहे हैं फरीदाबाद, भाईयर भी चलते बट इनके पेपर है, तो व्लॉग को करते हैं भाई यहाँ पे खत्म। ये कल जाके दिखाऊंगा पापा से सुबह, होपफुली जल्दी पहुंच जाऊं मैं, क्योंकि कल पापा की छुट्टी भी है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बता देना भाई कौन सी गाड़ी बढ़िया है, अभी निकल रहे हैं फरीदाबाद। चल भाई बैठ ले रहे, इसने ही छोड़ दे।